तो आई एम बैक अगेन विद न्यू वीडियो और इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन 4 मूवी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली थॉमस हेडन चर्च जो कि रोल प्ले कर चुके हैं सैंटमैन का और आगे भी रोल प्ले कर सकते हैं सैंटमैन का, उन्होंने ये कहा है कि सैम रैमी एक और स्पाइडरमैन की मूवी बनाएंगे टॉबे मैगवायर को लेके, जिसमें वो भी अपियर हो गए एज सैंटमैन। उन्होंने कहा आई थिंक सैम रैमी इज़ गोना डू अनदर स्पाइडरमैन विद टॉबे मैगवायर एंड देयर इज़ द वन आई विल बी रिटर्न इन। तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो आप लोग ये सोचोगे कि वो एक एक्टर है और वो ओपनली कह रहे हैं कि स्पाइडरमैन 4 हमें देखने मिलेगी, तो आप लोग एक्साइटेड हो जाओगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और रही बात इनकी, तो यस वो सोच रहे ऐसा कैसा होगा, जो कि मैं भी सोच रहा हूँ, आप लोग भी सोच रहे हो कि स्पाइडरमैन 4 बनेगी टॉबी मैगवायर के साथ। तो ये फ्यूचर की बात है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है और वो पहले से एक्साइटेड है जहाँ तक मुझे याद है। उन्होंने और भी मतलब इंटरव्यूज़ दिए थे जहाँ पर उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट दिखाई थी। वैसे मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ऐसे बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो कि रोल प्ले कर चुके हैं बट वो फिर से अभी आना चाहते हैं उनके पुराने वाले रोल में। तो इसका रीज़न एक ये हो सकता है कि हाइप ज़्यादा है, लोग अभी ये देखना पसंद करते हैं। दूसरा एक हो सकता है कि कैन फैगी सर के साथ और मार्वल के साथ उनका कनेक्शन थोड़ा अच्छा हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि फैंस अभी ज़्यादा हैं, पहले कोई इतना ध्यान नहीं देता था सुपर हीरो मूवीज़ पर बट अब ज़्यादा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें एक्साइटमेंट होगी, मैं भी रहूँगा तो मुझे भी एक्साइटमेंट होगी, आप भी उनके जगह पे होगे तो आपको भी एक्साइटमेंट होगी। और एंड्रयू गारफील्ड ने भी कहा था कि 2014 में आप लोग कहाँ पे थे, तो उनको भी अभी एक एक्साइटमेंट है, वो देख रहे कि फैंस लोग चाहते, तो यही सब बात है। पहले नहीं चाहते थे, अब चाहते हैं, तो अभी सब उनके रोल में आना चाह रहे हैं जो पुराना रोल प्ले कर चुके हैं उन लोगों ने। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि एक्साइटेड मत हो जाओ, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बात करूँ रूमर्स वगैरह की, तो यस लगता तो यही है कि स्पाइडरमैन 4 बनेगी टॉबे मैगवायर को लेके। और अगर सोनी को प्रॉफिट करना ही है, जो कि वो लोग करना चाहते हैं, तो ये स्टेप अच्छा है, उन्हें ये लेना चाहिए स्टेप। अभी देखो सोनी क्या करता है। तो आई होप कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करो और कोई न्यू बंदा है बंदी वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। तो मैं मिलता हूँ वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।